झोली भर दो, मेरी झोली भर दो, मिल गई, मिल गई, अरे बाबा मिल गई। बलि सच्चे मन से दी जाती है, ज्यादा सोच मत। है कोई गुरु का भगत? विश्वास इंसान से कुछ भी करवा सकता है, और कई बार अपने जुनून में हमें बात का एहसास भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक विश्वास की कहानी है, एक ऐसा अंधविश्वास जिसने कुछ लोगों से अनजाने में बहुत बड़ा जुर्म करवा दिया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडार्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडार्चे। हम जानते हैं, हम देख सकते हैं, शिला यही दबी है, खोदो। मिल गई, मिल गई, हे बाबा मिल गई, हे शिला मिल गई, शिला मिल गई, मिल गई, मिल गई, हे बाबा मिल गई, बाबा हे शिला मिल गई, शिला मिल गई, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा फले, बाबा फले, शिला मिल गई, बाबा पिछले 11 दिनों में यहाँ बैठकर जो तपस्या की है उसका फल इस गांव को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बाबा, बाबा, 2 साल से मेरे अच्छी फसल नहीं हो रही है, बाबा आप आशीर्वाद दो, बाबा आशीर्वाद दो, होगी, बाबा आशीर्वाद दो। उस एक चमत्कार ने बाबा लोकनाथ को पूरे गांव की नजर में महात्मा बना दिया, और ये महात्मा अब हर दुख का इलाज था, हर घाव का मलहम। घावों की उस भीड़ में एक कोने में बैठे नारायण कांबले और जनाभाई भी अपने घाव भरने के इरादे से बाबा से मिलने आए थे, और बाबा ने इन्हें हल बताया, बांझ जनाभाई की सालों की सूनी गोद भरने का हल। गोपी ने आकर सबको बताया कि उसने खेतों के बीचों बीच बनी एक छोटी सी खाई में पड़ी 2 लाशें देखी थी। पुलिस ने आकर तहकीकात शुरू की और मिली 8 साल की रमा और 6 साल की लक्ष्मी की लाशें, पूरी तरह कुचली हुई। लगता है काफी वक्त से पड़ी हैं लड़कियां यहाँ। हाँ सर, और देखकर लगता है जैसे इन्हें सर पटक कर मारा गया। बुलाना पीछे रहो, चलो पीछे, हटो पीछे पीछे। सब लोग ध्यान से सुनो, क्या हाल ही में इस गांव से कोई ऐसी छोटी बच्ची गायब हुई थी? शिवराम की लड़की साहब। शिवराम की लड़की? तुम लोगों में से कोई भी पहचानता है इन्हें? चलो देखो, बताओ। अरे कोई नहीं पहचानता इन्हें, पीछे हटो, हटो पीछे हटो, चलो पीछे, इन्हें ले जाने का इंतजाम करवाओ। ठीक है सर। लाशें वाकई पहचानने की हालत में नहीं थी। पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बलात्कार और खून का इल्जाम लगाकर तहकीकात शुरू की। शिवराम को बुलाया गया और उसने अपनी बेटी रमा की लाश को पहचान लिया। लापता लक्ष्मी के माता पिता भी आए और उन्होंने भी अपनी बेटी की बुरी तरह से बिगड़ी हुई लाश को पहचाना। वो घर के बाहर खेल रही थी साहब, और फिर पता नहीं अचानक कहाँ चली गई साहब। 1 महीने तक बहुत ढूंढते रहे साहब, बहुत ढूंढा उसको, लेकिन अब ये क्या हो गया साहब? उसको छोड़ने का नहीं साहब, हमारे हवाले कर देने का साहब, हम उसको मार डालेंगे साहब, मार डालेंगे। ये रमा किस दिन गायब हुई थी? जो सुमति अम्बाउस के आसपास की बात है साहब। और लक्ष्मी? वो भी उसी वक्त साहब। देखो तुम सब्र करो, हाँ हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं हुआ था,
उसके साथ ये सच्चाई जुड़ी कि दोनों लड़कियां सोमवती अमावस्या के आसपास गायब हुई थी। इन दोनों सच्चाइयों ने पुलिस को शक करने पर मजबूर कर दिया कि शायद ये किसी की दी हुई धार्मिक बलि हो। गांव वाले बहुत धार्मिक थे तो पुलिस का शक और गहरा हुआ। साथ ही उन्हें 6 महीने पहले आए बाबा लोकनाथ के बारे में भी पता चला। एक बात बता जी। तू सचमुच इस केस के बारे में और कुछ नहीं जानता? और कुछ नहीं सर। देख कुछ मालूम है तो बता दे। नहीं सर। अच्छा इस गांव में कोई ऐसा आदमी हो जिसकी औलाद वोलाद ना होती हो, बच्चा उच्चा ना होता हो? औलाद वो है ना सर, नारायण। बेचारे की दो दो बीबियां हैं पर बच्चा नहीं सर। वो ही बाबा लोकनाथ के पास बहुत जाता था साहब। और हाँ साहब, उसको तो बाबा लोकनाथ किसी पीर बाबा के पास भी लेकर गए थे। पीर बाबा के पास लेकर गए? कहाँ मिलेगा नारायण? अपने खेतों में होगा सर। होना तो यही चाहिए, खेत तो उसी के ना ही। जी ठीक से ढूंढो, यही होगा साला। ओए इधर ए किसान है शायद। किसान है तो फिर ये चुप करके आ रहा है। क्या सर? कौन था वो? कौन था? तुमसे मिलने आया था? नहीं सर। सच बोलो। नहीं नहीं मैं तुमसे मिलने आया था? नहीं सर। बोलो सच। नहीं नहीं नहीं। क्या ड्रामा हो रहा है? नहीं सर। क्या ड्रामा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। भाई 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 अब बोल, तेरा नाम नारा है? हाँ सर। पर आपने किया क्या है? तेरी कोई औलाद नहीं है ना नारायण? नहीं साहब। तो क्यों बे? तू बाबा लोकनाथ के पास बहुत जाता था है ना? बाबा के पास तो गांव के सभी लोग जाते थे साहब। अच्छा, लेकिन बाबा लोकनाथ सबको तो पीर बाबा के पास नहीं लेकर जाते थे। पीर बाबा? ए, उन दोनों लड़कियों को तूने मारा है ना? डर उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा था और अंधेरे में चलाया पुलिस का तीर सही निशाने पर जा लगा। नारायण कांबले और जनाबाई ने अपना जुर्म कबूल किया। नारायण कांबले किसान था, खेत जमीन दो दो पत्नियां, पर वंश चलाने को कोई नहीं था। उसकी दोनों पत्नियां जनाबाई और मुक्ताबाई बांझ थी। पुलिस की पूछताछ करने पर जनाबाई ने कबूल किया कि उसने और उसके पति ने मिलकर उन दोनों लड़कियों की जान ली थी और पुलिस को यह बयान दिया। साहिब, हमको बच्चे की बहुत इच्छा थी। मुक्ता और जना 40 का करीब हो गई है। मेरे को लगा अभी बच्चा नहीं होएगा तो जब साहिब बाबा लोकनाथ गांव आए तो हमने उन्हें सब बता दिया। उन्हें बोला साहिब बच्चा के लिए हम कुछ भी करेगा। बाबा लोकनाथ बोले वो हमारी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा, पर वो हमें पीर बाबा के पास लेके गया। बात की है भूत की, सर मरोड़ा सांप का, कैसे कुंडल मार के जोड़ा बैठा है सांप का। कंचन केचुली 100 में 1 सवार है, कोई गुरु का भगत ले नाम। मिलेगा, अवश्य मिलेगा, सांप मिलेगा। बाबा करना क्या होगा हमको? सुन, देवी माँ को प्रसन्न करना होगा। कैसे? सोमवती की 11वीं अमावस्या को 2 छोकरियों की बलि देनी होगी। उनका रक्त देवी मां के चरणों में अर्पित करना होगा। जा,
दो छोकरियां लेकर आ और तभी तेरी दोनों पत्नियों की गोद भर जाएगी। जा छोकरी ला। ऐसा मत बोलो, देवी माँ सब भला करेंगी। जय देवी माँ। जय देवी माँ। मौसी के घर में अम्मा कहाँ है? अम्मा भी आ जाएगी अभी। क्या है मौसी? क्यों आप इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं? क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है आज। मौसी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो अम्मा की जैसे। तेरी अम्मा की जैसे नहीं, मेरी अम्मा के जैसे। ये देखो क्या लाया मैं, मिठाई खाएगी? ले 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 तू भी ले ले खाओ 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 खाओ, खाओ। सच्चे मन से दी जाती है, ज्यादा सोच मत। जैसा पीर बाबा ने कहा वैसा ही करना। ले
इस सलाम ने उन दोनों की बलि दी और मेरी माँ को उनका खून अर्पित किया, पर इतना सब करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ साहब। जब मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर के गया तो वो बोलता है कि ये गर्भवती नहीं है। फिर तुम पीर बाबा के पास नहीं गए इसका? नहीं साहब, उसके बाद वो पता नहीं पीर बाबा कहाँ गायब हो गए। पुलिस ने बाबा लोकनाथ को गिरफ्तार किया जो अब पन्ना गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में अपना अड्डा जमाए बैठे थे, पर पीर बाबा पुलिस के हाथ नहीं आए। बाबा लोकनाथ ने अपना जुर्म कबूल किया और पुलिस को बताया कि वो ही नारायण और जना बाई को पीर बाबा के पास लेकर गए थे। पुलिस ने नारायण और जना के खिलाफ रमा और लक्ष्मी के खून का केस दर्ज किया, पर अदालत में पहुंचकर नारायण और जना बाई ने अपना पूरा बयान बिल्कुल बदल दिया। अदालती कार्यवाही चलती रही, सवाल जवाब और सवाल, कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं था, तो केस उल्टा पुलिस पर पड़ गया और पुलिस नारायण और जनाबाई पर लगाए कोई भी इल्जाम को पूरी तरह साबित नहीं कर पाई। उन्हें छोड़ दिया गया। वो लोग सबसे खतरनाक होते हैं जो अंधविश्वास को धर्म का नाम देकर जुर्म करते हैं। हर साल करीबन 5,700 नौजवान बच्चे जुर्म का शिकार हो जाते हैं। केस जो भी हो, नतीजा जो भी हो, पर इस पूरे हादसे की सच्चाई बस इतनी थी कि दो मासूम जाने चली गई, दो मासूम जिंदगियां जो अभी पूरी तरह जिंदगी देख भी नहीं पाई थी, एक अंधविश्वास की बलि चढ़ गई, दो परिवारों की मुस्कान छीन ली गई। अंधविश्वास इंसान से कुछ भी करवा सकता है।